हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिस शैरन रोशन, टीचर फ्रॉम ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल. सो टुडे विल बी लर्निंग चैप्टर 1, टू गॉड विद लव, थैंकफुलनेस टू गॉड. गॉड कौन है आपको मालूम है? हम सब गॉड को जानते हैं ना, हम सब लोग प्रे करते हैं, हम सब गॉड से प्यार करते हैं, गॉड भी हमसे प्यार करते हैं. गॉड ने बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए बनाई, इसीलिए हम उसे धन्यवाद कहते हैं, थैंक यू कहते हैं. गॉड ने क्या क्या बनाई? ब्यूटीफुल वर्ल्ड बनाया, गिवन अस हैप्पी लाइफ, हमें अच्छा से खुशी वाली लाइफ दी है. वी शुड ऑलवेज रिमेंबर गॉड एंड थैंक यू फॉर ऑल द जॉयज ऑफ लाइफ. हमेशा गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए हर बातों के लिए. ओके बच्चों, और हमेशा गॉड से प्रेयर करना चाहिए. तो ये जो है फर्स्ट है वो गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर. ओके, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, यू कैन सी एवरीथिंग व्हाट यू डू. गॉड सब चीज़ों को देखते हैं, हम जो भी चीज़ें करते हैं सब चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि गॉड हर जगह पे होते हैं. ठीक है, ये जो है वो मॉर्निंग प्रेयर है. व्हाट इज मॉर्निंग प्रेयर? जो हम सवेरे उठ के प्रे करते हैं, अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं तो पहले प्रे करते हैं, उसे कहते हैं मॉर्निंग प्रेयर. एवरी मॉर्निंग प्रे टू गॉड, हर सुबह आपको प्रे करना है गॉड से. क्या बोलना है? गॉड वी थैंक यू फॉर द नाइट एंड फॉर द प्लेजेंट मॉर्निंग लाइट. गॉड को थैंक करना है कि रात के लिए भी धन्यवाद, कि और सुबह इतना अच्छी सुबह आपने दिए, खूबसूरत सुबह आपने दी, इसीलिए धन्यवाद, थैंक यू. थैंक यू फॉर द वर्ल्ड एज लवली कैन बी, यू मेड द माउंटेन्स एंड द डीप ब्लू सी. गॉड ने क्या क्या बनाया? बहुत सारी चीज़ें बनाई ना गॉड ने. माउंटेन्स बनाए हैं, सी बनाया है, दरिया बनाया है, ब्लू कलर का डीप सी बनाया ना. यू गेव अस ग्रास एंड टॉल ग्रीन ट्रीज. गॉड ने क्या दिए? ग्रास दिए हैं, टॉल ट्रीज दिए, बहुत सारे झाड़ पौधे आपने देखा है ना, हम तो नहीं लगाते फिर भी खुद ही आ जाते हो. किसने किया है? गॉड ने किया है. ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड बजिंग बीज, अच्छे अच्छे फूल उसमें खिलते हैं. बजिंग बीज, हनी बीज जो होते हैं उनका आवाज आता है ना, उनको भी किसने क्रिएट किया है? गॉड ने क्रिएट किया है. गॉड हेल्प अस टू डू द थिंग्स वी शुड टू बी टू अदर साइड एंड गुड. गॉड हमारे हर चीज़ में हमें हेल्प करते हैं, और हमें इसीलिए सबके साथ अच्छा सा व्यवहार करना चाहिए, सभी के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए. ओके, इन ऑल वी डू, इन ऑल वी से, टू ग्रो मोर लविंग एवरी डे. जो भी हम करें, जो भी हम बोले, उसमें और भी हम प्यार से सबके साथ रहना चाहिए एवरी डे. सो नाउ वी लर्न प्रेयर बिफोर मील्स. प्रेयर बिफोर मील मतलब खाना खाने से पहले, ब्रेकफास्ट करने से पहले, कुछ भी स्नैक्स खाने से पहले हमें प्रे करना चाहिए. रिमेंबर टू प्रे बिफोर मील, हमेशा याद रखना है. खाना खाने से पहले भी आपको प्रे करना है. क्या प्रे करोगे? गॉड इज ग्रेट एंड गॉड इज गुड. गॉड जो है बहुत ग्रेट है, बहुत अच्छे है, और गॉड जो है ही इज़ गुड. We thank you God for our food. By God's hand we must be fed. Give us God our daily bread. What is this saying? God को हर बातों में thank you करना चाहिए. हम जो food खाते हैं उसमें thank you करना चाहिए. By God's hand we must be fed. मतलब God के हाथों से हमें खाना मिलता है, इसीलिए हमें हर वक्त thank you बोलना चाहिए. So give us God a daily bread. God हमें डेली का रोजी रोटी देता है ना. ब्रेड यानी कि हम ब्रेड खाते उसे नहीं, हम ऑल ओवर खाने को ब्रेड बोलते हैं. ठीक है, फिर रात को सोने से पहले आपको फिर एक बार प्रे करना चाहिए. गॉड को हर पूरे दिन में क्या क्या किया उस चीज़ के लिए धन्यवाद करना चाहिए, उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहिए. बिफोर गोइंग टू स्लीप रिमेंबर टू थैंक गॉड फॉर द डे. ठीक है, जैसे सोने से पहले आपको गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए. फॉर वॉट? दिन के लिए.
God, I have passed another day and come to thank you for your care. Forgive my faults in work and play. गॉड को क्या बोलना चाहिए? गॉड आई हैव पास्ड अनदर डे, एक दिन पूरा मेरा स्पेंड हो चुका है, एंड कम टू थैंक यू फॉर योर केयर, आपने जो पूरा दिन मुझे संभाला इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। मैंने जो भी मिस्टेक किए, जो भी गलत काम किए या गलत खेला इन वर्क एंड प्ले, जो भी मैंने काम करने में या खेलने में गलत बातें की, गलत चीज़ें की, उसके लिए मैं मुझे माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए एंड लिसन टू माई इवनिंग प्रेयर, क्या होते हैं, और मेरी शाम की प्रार्थना को सुनिए। थैंक यू फॉर द स्टार्स दैट शाइन, थैंक यू फॉर द फ्रेंड्स ऑफ माइंड, क्या होते हैं, स्टार जो चमक रहे उसके लिए भी थैंक यू, आपने बोल मेरे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स दिए उसके लिए भी थैंक यू, थैंक यू फॉर द मून एंड सन, मून एंड सन को भी आपने बनाया इसलिए थैंक यू, थैंक यू गॉड फॉर ऑल दैट यू हैव डन। गॉड को थैंक यू क्या बोलते हैं, आपने जो कुछ भी सब कुछ चीज़ें जो की इसीलिए हम थैंक यू बोलते हैं। गॉड हमेशा हमें क्या करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, ही शावर्स हिज ब्लेसिंग, अगर हम अच्छे बच्चे बनेंगे तो हम सभी के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, अच्छे से रहेंगे, वी आर गुड एंड काइंड। मेकिंग इट सिंपल, आपको मीनिंग्स जो प्लेजेंट का मीनिंग होता है गुड एंड प्रीटी, बजिंग का मीनिंग होता है द साउंड मेड बाय बीज, अनदर वन मोर, अनदर यानी कि वन मोर, फॉरगिव यानी कि स्टॉप फीलिंग एंग्री फॉर अ मिस्टेक, फॉल्स यानी कि बैड क्वालिटीज इन समवन। नाउ सम नेचुरल थिंग्स दैट गॉड हैज मेड मोर, मेड आर एम ओ INS, माउंटेन्स। सेकेंड वाला क्या है, दैट विल यू हैव टू सर्च, ओके, मैं आपको अभी थर्ड बता दूँ, RIVERS, रिवर्स। फोर्थ क्या है, वो आपको ढूंढना है। फिफ्थ क्या है, स्टार्स, STARS, स्टार्स, ये दो आपको ढूंढना है, ठीक है। So ask God to fill your heart with good qualities. Choose the qualities you want your heart to be filled with. Color those clouds in blue. अभी देखो यहाँ से बहुत सारे qualities हैं यहाँ पे, तो आपको जो qualities चाहिए वो आपको God से चाहिए, तो आपको ये जो clouds है ना उस पर आपको कलर करना है। कौन सा कलर करोगे, ब्लू। केयरिंग यानी कि आप किसी का केयर करते हो, किसी की देखभाल करते हो, तो ये एक अच्छी क्वालिटी है। एंगर अच्छा क्वालिटी नहीं है, हम किसी पे भी गुस्सा करते हैं वो, तो एंगर जो है वो अच्छी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि हम किसी पे भी गुस्सा करते हैं या गुस्से में बैठे रहते हैं, इट इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी। काइंडनेस, बहुत हम्बल, बहुत अच्छे स्वभाव का रहना, दैट इज अ काइंडनेस, ओके। ऑनेस्टी, व्हाट इज ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज हर बार सच बोलना, हर टाइम सच का साथ देना, ऑनेस्टी हर चीज़ ऑनेस्टली करना। क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस यानी कि हमेशा क्लीन खुद को रखना, आसपास का सराउंडिंग क्लीन करना, साफ सुथरा रहना, उसे बोलते हैं क्लीनलीनेस, ओके, अच्छा क्वालिटी है ना। लव, हमेशा प्यार में रहना, सबको प्यार करना, सबको प्यार, सबके साथ प्यार से पेश आना। ग्रीड, ग्रीड यानी कि लालच, कभी भी लालच अच्छी बात नहीं होती है, हर चीज़ का लालच, मेरे को ये चाहिए, मेरे को चाहिए, सब कुछ मुझे ही चाहिए, बाकी किसी को नहीं देने का, ये ग्रीडी हो जाते हैं, तो ये अच्छी क्वालिटी नहीं है। अभी आप सोच लो, आप डिसाइड करो विच क्वालिटी इज गुड, इफ यू वॉन्ट देन कलर दोज क्लाउड्स इन ब्लू कलर, ओके। नेक्स्ट इज टेक द करेक्ट आंसर एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। गॉड क्रिएटेड ऑल डैश एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड, गॉड क्रिएटेड ऑल प्लांट्स
इन द वर्ल्ड, आपको प्लांट्स को टिक करना है और यहाँ पे लिखना है प्लांट्स, ओके। गॉड इज़ हैप्पी व्हेन वी हैप्पीली डैश द फूड मदर कुक्स फॉर अस। गॉड इज़ हैप्पी व्हेन वी हैप्पीली ईट। हम जब अच्छे से खाना खाते हैं ना, मम्मी जो बनाती है वो अच्छे से खाते हैं, तो गॉड क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। तो आज से सभी लोग को क्या करना है, अच्छे से खाना है जो भी मम्मी बनाएगी, ओके। व्हेन वी मेक मिस्टेक्स वी शुड प्रे टू गॉड टू फॉरगिव अस। लिखो फॉरगिव अस, ओके। नो योर सेल्फ लाइफ स्किल, लाइफ स्किल एक्सरसाइज। गॉड मेड मैनी नेचुरल थिंग्स लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, माउंटेन्स एंड इंसेक्ट्स। ही ऑल्सो मेड यू। सी द पिक्चर्स बिलो एंड राइट थ्री थिंग्स विच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर क्रिएशंस ऑफ गॉड। सो दिस यू हैव टू राइट, ओके। सो आई कैन प्रे ऑल द पिक्चर्स, सी। So God made many natural things like animals, plants, mountains and insects. He also made you. See the pictures below and write three words which makes you different from other creations of God. आप देखो कि आपको क्या different लगता है, other creation में क्या different लगता है, आपको वो लिखना है। Now next is, we cannot know the world around you. We cannot see God directly, but we can feel Him through His creations around us. Name any five things around you in which you feel God. ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम गॉड को नहीं देख सकते डायरेक्टली, पता है? तो हम क्या क्या देख के हमें फील होता है कि हाँ गॉड है करके, तो आप लिख सकते हो माउंटेन, वाटर, ब्लेसिंग्स। ऐसे पांच चीज़ आपको जो लगती है वो आपको लिखना है, ओके बच्चों।